और उनको अपने नेता पर भरोसा नहीं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं, खासतौर पर भाजपा को अब नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं। भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं, लिस्ट ही नहीं मिला, आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। हरियाणा की भी स्थिति भाजपा की वही है, कह रहे हैं 6 दिन पहले ही चुनाव हम लड़ा देंगे। चंपई सोरेन ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है सर, कैसे देखते हैं? हद हो गया भैया, अब चुनाव के समय में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा भैया, विश्वास टूट जाएगा दुनिया में। इस तरह के जो बिहेव है और जिस तरीके से चंपई सोरेन जी पर हेमंत जी ने विश्वास किया और अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, एक वर्कर को बनाया, लोगों में जो अविश्वास टूटता जा रहा है इन्हीं आचरण और चरित्र के कारण चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से शिबू सोरेन जी ने सींचा, जिस तरीके से हेमंत जी ने एक वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद देखिए भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं। कश्मीर में आप नहीं देख रहे हैं क्या स्थिति है भाजपा की? लिस्ट ही नहीं मिला, आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। हरियाणा की भी स्थिति भाजपा की वही है, कह रहे हैं 6 दिन पहले ही चुनाव हम लड़ा देंगे। तो भाजपा पैसे के बदौलत तोड़ जोड़ घटाओ कोई अपनी, इसका मतलब साफ है कि भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं है। कभी बाबूलाल मरांडी को, कभी किसी को लाते हैं, और उनको अपने नेता पर भरोसा नहीं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं, खासतौर पर भाजपा को अब नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं, ये आप समझ। दूसरों का पैंच उतार, कांग्रेस का तोड़ो, कांग्रेस का लाओ, उसका लाओ, तो भरोसा जब नरेंद्र मोदी जी पर ही नहीं है गारंटी। अभी शिवाजी का देखी लिए महाराष्ट्र में, मूर्ति ही टूट गई, 45 से 47 साल की बात करते थे। तो इसलिए यह समय है आने जाने का, वोटर पर कोई प्रभाव नहीं। सीता सोरेन को ले गए थे ना, वो घर की बहू को ले गए ना, अब तो और भी जो ST SC हैं, दलित हैं, OBC है, EBC है, वो तो पूरा एक झूठ हो चुका है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना।